हेलो भाई लोग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी रात के 8 बज रहा है और मैं अवेलेबल हो रहा हूँ रात के 10 बजे, मतलब 2 घंटे बाद। तो यार ऐसा है कि आज तो पूरा दिन मस्त सोए हैं और मेरा पीआर था, रेस्ट था, तो कपड़ा वपड़ा धोया काफ़ी ज़्यादा था, यूनिफॉर्म वगैरह। तो अभी विजय का हो सकता है 3-4 घंटे में ड्यूटी लगेगा रात में, तो इसके लिए अभी बस खाना वाना बनाना है। और यार जिस दिन मैं दिन में सो लेता हूँ ना, उस दिन रात में ड्यूटी नहीं आता है, तो बहुत कम चांस है कि अभी रात में ड्यूटी आएगा। फिर भी खाना वाना बना के जल्दी से सोना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों का रेस्ट और नींद बहुत ज़रूरी होता है। तो यार अब तो जस्ट विवेक विजय को भेजा दूध लाने के लिए, अब खाना वाना बनेगा और देखते हैं। रात में अगर ड्यूटी आता है तो रात में मिलेंगे, सुबह आएगा तो सुबह मिलेंगे। और यार थैंक यू, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है ब्लॉग्स पे, फिर से स्टार्ट हो गया अच्छा से रिस्पांस मिलना, सब्सक्राइबर्स गेन होना, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियो मेरा प्राइवेट करना पड़ा था, डिलीट ही कर दिया था मैंने। तो डिलीट करने के बाद थोड़ा सा चैनल ऐसे रुक सा गया था, लेकिन अभी फिर से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, व्यूज़ भी ठीक ठाक है। ठीक है, स्टार्टिंग में तो इतना ही होता है। और मुझे ब्लॉग करने में यार मज़ा आने लगा है, तो सीख रहा हूँ धीरे धीरे और इम्प्रूव हो जाएगा। अभी तो 1 मंथ हुआ है स्टार्ट किए हुए, तो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। और मज़ा आ रहा है यार तुम लोगों से बात करने में, शेयर करने में, हर चीज़ काफ़ी मज़ा आता है। तो अभी तो बस खाना वाना बनाएंगे, उसके बाद मिलते हैं ड्यूटी टाइम में। और यार कल जब मैं डेमो लेकर आ रहा था, तो एक आदमी था जो कि ऐसे ही पकड़ लिया था ट्रेन, और मैं उसको देख रहा था कि भाई ये बैठे, तो मैं बोलूँ राइट चला जाए, पकड़ लिया। जैसे जैसे ट्रेन का स्पीड बढ़ रहा था, ऐसे ऐसे दौड़ रहा है ट्रेन के साथ में, जैसे स्पीड बढ़ रहा है ना वो भी दौड़ रहा है। तो मैं उसको बोला कि अबे चमन चमगादड़, बैठ जा, दौड़ क्यों रहा है भाई। तो वो मेरे से ऐसे नैन मटक्का कर रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहा है। तो यार नैन मटक्का करने में अगर ट्रेन के नीचे आ गया ना, तो 6-7 पीस हो जाना था उसका। ऐसे लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। तुम लोग तो ऐसा नहीं करते ना, ट्रेन चलने के बाद, ट्रेन चलने से पहले बैठ जाओ, हॉर्न बजाते हैं ना हम लोग कि अब जाना है, ऐसा मत करना। तो इसका गेट पीटने का तरीका, कौन है कौन है? 1 घंटा लगता खोलने में। तुमको से लगता टोन में गाना बजा रहा था इस पे? अभी दूध लेके आ गया है और इसको जाना है रात में ड्यूटी। क्यूट लग रहा है बे तुम। यूं ही नहीं दिल तुम पे फिदा है। विजय दोनों नमक दो उधर से, इसको हटाएंगे तब तो देंगे। बोलते हैं टैलेंट। गुड मॉर्निंग भाई लोग। तो यार अभी सुबह सुबह मैं जगा हूँ हॉर्न की आवाज सुन के। एक लड़के ने पूछा था, भाई दिन भर क्या करते हो? तो यार दिन भर में ना 10 बार में चाय पीता हूँ। जो चाय लवर्स है यार वो करें, क्योंकि जैसे मुझे लगता है कि अपने सारे रेलवे लवर्स हैं, चाय लवर्स भी बहुत हैं, उसमें से मैं एक हूँ। खुद दिन भर में 6-7 बार चाय पीता हूँ और हॉर्न सुन के तो मज़ा ही आ जाता है। तो बस अभी जगे हैं, टीन का वेट कर रहे हैं। मुझे पता था कि जिस दिन मैं दिन में सो लेता हूँ रात में ड्यूटी नहीं लगता है, और जिस दिन दिन में नहीं सोता हूँ उस दिन रात में लगता है। तो कल दिन में सोया था मैं काफ़ी ज़्यादा, इसलिए कल नहीं लगा, और अभी 1 घंटे के अंदर अंदर लग जाएगा ड्यूटी। अभी जा रहा हूँ मैं, सीधा चाय पीऊँगा सुबह सुबह जाके। सुबह सुबह चाय पीने में मज़ा भी आता है। तो मिलेंगे जब ड्यूटी लगेगा तब। आपका तो जो लोग वेटिंग क्लियर हुआ है जिनका, जो लोग अभी अभी जाने वाले हैं, 4-5 लोग हैं मेरे सब्सक्राइबर्स में, तो वो लोग यार स्टार्टिंग में जाना, तो भाई परेशान मत होना, क्योंकि धीरे धीरे ना मज़ा आने लगता है। जैसे अभी मेरा लमसम 36 घंटे हो गया है, क्योंकि मेरा पीआर था। तो अब मुझे लग रहा है कि यार कब ड्यूटी लग जाए, कब ड्यूटी लग जाए जाए, रूम पे भी अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से अगर स्टार्टिंग में परेशान हो गए तो
सब लोग होता है, इससे ज़्यादा इस बात से ना परेशान होना कि ड्यूटी लग रहा है या कुछ भी। धीरे धीरे आदत हो जाता है, फिर मज़ा आने लगता है रनिंग रूम जाने में, बाहर जाने में। अभी मेरा 2-3 घंटे का बस आने ही वाला है ड्यूटी, ये इम्पोर्टेंट चीज़ था इसलिए मैं बताया। तो हेलो भाई लोग, यूनिफॉर्म पहन के रेडी हो गया हूँ, लेकिन अरे एक लफड़ा हो गया है, इतने टाइम पे मुझे रूम से निकल जाना चाहिए था, अभी तक मैं रूम पे हूँ और खाना भी नहीं खाया हूँ। तो यार जल्दी जल्दी खाना खाएंगे, तुम लोगों से बात करते हुए। तो यार जल्दी जल्दी खाना खा के भागना है, क्योंकि आधे घंटे पहले मैं रूम से निकल जाता हूँ, 12:45 पर जाना है और 12:10 हो गया है, 35 मिनट टाइम बचा हुआ। तो जल्दी जल्दी खाना खा के मिलता हूँ, अभी काफ़ी लेट हो रहा है। तो यार इसको बोलते हैं गरीबी में आटा गिरा। खाना पैक करने के लिए टिफिन लेने गया, पता चला भी होया ही नहीं है यार। जल्दी से धोता हूँ इसको। रेडी यार, चेक भी करना होता है जा ड्यूटी जाने से पहले कि सामान छूट तो नहीं गया। यार पता नहीं लेट कैसे हो गया, मैं सोच रहा हूँ रिलैक्स था एकदम कि आराम से रहेंगे, आराम से जाएंगे, आराम से जाएंगे। तो बस सब चीज़ पैक कर लिया, सामान भी चेक कर लिया है और बस जूते पहन के भागूंगा, बस भागना है। औरंगाबाद जा रहे हैं तो अगर लेट हो गया ना भाई तो एल लग जाएगा समझ। तो बस मिलेंगे सीधा अब औरंगाबाद में, क्योंकि मुझे दौड़ के जाना है बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है, ये साला जल्दी जल्दी के चक्कर में फोन और चार्जर दोनों छूट जाता अभी। तो इसको बोलते हैं गरीबी में दूसरी बार आटा गिला। अरे यार जल्दी 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 15 मिनट टाइम बचा हुआ है और इतना जल्दी के चक्कर में फ़ोन भी छोड़ दिया था मैं। एक तो लेट, ऊपर से दोबारा जाके फ़ोन लाना पड़ा ना, दिक्कत है भाई। अरे लेट भी पता नहीं कैसे हुआ, मैं रिलैक्स था आज, 3 घंटे पहले कॉल बुक मिला तो काफ़ी रिलैक्स थे। तो अभी सीधा जाएंगे रूम पे से सीधा लॉबी बस। काफ़ी जल्दी जल्दी जा रहा था मैं, अभी पैसेंजर जाना है, पैसेंजर गाड़ी। तो अभी चेक किया, पता चला कि थोड़ा सा लेट है, तो अभी रिलैक्स मिला, अब आराम से जाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। तो कब से तो दौड़ के ही जा रहा था यार, जब लेट होता है ना, देखो 3 दिन से मैं पेन छोड़ रहा था रूम पे और आज भी छोड़ दिया जल्दी जल्दी के चक्कर में। और पता नहीं क्या क्या छूटा है, वो सीधा रनिंग रूम जाके पता चलेगा जब यूज वाला सामान छूटा होगा। तो ठीक है, मिलेंगे सीधा अब औरंगाबाद में, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जल्दी जाना पड़ रहा है। तो ठीक, भाई साहब औरंगाबाद पहुंच गए हैं और अभी ऑटो वाला फिर से पूछा, जब आ रहे हैं तब पूछता है कहाँ, तो मैंने बोला कहीं नहीं, थोड़ा सा गुस्सा हुआ। फिर उसको ध्यान है कि अच्छा मैं ड्राइवर हूँ, बोला अरे सॉरी भाई साहब, आप लोग आते तो हम लोग चलते हैं। फील हुआ उसको कि हम लोग ट्रेन लेके आते हैं तभी उन लोगों का ऑटो चलता है। अच्छा लगा सुन के, किसी का रोज़गार भी चला रहे हैं हम लोग भाई। बस चाय पीना है सबसे पहला काम। हाँ
मेरा पहला प्यार। तो यार आज हमारे राकेश भाई का बर्थडे है और सौभाग्य से वो आज रूम पे ही हैं और मैं भी आ गया हूँ औरंगाबाद। अभी जल्दी जल्दी जाएंगे रनिंग रूम, कपड़ा चेंज करेंगे, मतलब यूनिफॉर्म खोल के जनरल आर्मी बन जाएंगे नॉर्मल। उसके बाद तो मिलते हैं उनसे, थोड़ा मोड़ा उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा। और यार ड्यूटी से पहले और ड्यूटी के बाद का फेस, तो ठीक है मिलते हैं चेंज करने के बाद।